यह है आसमान का एक तरफ एक रुख, जहाँ पर हल्के हल्के धीमे धीमे बादल और सूरज की शुआएं नज़र आ रही हैं और बिल्कुल मतला साफ है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट में यह कालीघाट है, जो कि फुल स्पीड के साथ सखर शहर को अपनी लपेट में लेती हुई नज़र आ रही है। ये महकमा मौसमियात की जानिब से जो बताया गया है कि समंदरी तूफ़ान असना और इसके अलावा जो मानसून का स्पेल है, वो दोनों एक साथ तश्कील पा चुके हैं और उसके नतीजे में ये वेदर यकसर करवट बदल चुका है और ये सिलसिला दो रोज़ जारी रहेगा। सक्कर और रोड़ी समेत अतराफ के इलाकों में काली घटाएं जमकर बरस पड़ी। सरदारुल्लाम यौमल जुमा के रोज़ बादलों की आमदोरफ दिन भर जारी रही, मगर शाम होते ही ठंडी हवाओं के साथ आने वाली काली घटाओं ने धुआंधार इनिंग का आगाज कर दिया और बारिश को बरसने का भरपूर छोटी बूंदों के साथ शुरू होने वाली बारिश ने देखते ही देखते बड़ी बूंदों के साथ बरसना शुरू कर दिया तो शहर पानी पानी होने लग गया। बगैर किसी गरज चमक के शोर शराबे की बरसने वाली बारिश 15 से 20 मिनट तक खूब बरसी और थम गई। ताहम बारिश के बरसने तक और थमने तक शालीमार रोड, पुराना सक्कर, जेल मोड़, घंटाघर समेत नशीब इलाके जेरे आब आ गए। सक्कर शहर में बरसात की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तर्जमान सिंध हुकूमत, मेयर सक्कर और इस्लाम साम शेख सड़कों पर निकल आए और मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सक्कर राजा धारा जी के हमारा दौरा करते हुए मशीनरी के फंक्शन होने को यकीनी बनाया और अमले को अलर्ट रहने की हिदायत की। बारिश थम गई, तहम आसमान पर काली घटाएं बदस्तूर छाई हुई हैं और जबकि चमकने का भी सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का मौजूदा सिलसिला कल तक वक्त से जारी रहने का इम्कान है।